उल्लू और हंस की कहानी। दुष्ट व्यक्तियों का एक क्षण का साथ भी आपका अहित कर सकता है। किस तरह कर लिया उल्लू ने हंस की पत्नी पर कब्जा। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सज्जनों, एक बार एक हंस और हंसनी भ्रमण करने के लिए निकले। कई सुंदर सुंदर स्थानों पर घूमते हुए वे एक सुनसान स्थान पर पहुंचे। वहां कोई सरोवर तो था नहीं, इसलिए उन्होंने रात व्यतीत करने के लिए एक वृक्ष पर ठहरने का विचार बनाया। हंसनी ने ऊबड़ खाबड़ वीरान स्थान को देखकर हंस से कहा, अजी सुनते हो, हम लोग कहां इस बीहड़ स्थान पर आ पहुंचे। मुझे तो यहां डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हंस कहने लगा, घबराओ नहीं, बस एक रात की ही तो बात है, सुबह होते ही हम अपने स्थान को चले जाएंगे। हंसनी कहने लगी, महाराज रात तो मैं जैसे तैसे काट लूंगी, परंतु विद्वानों का ऐसा मत है कि इन स्थानों पर एक दिन भी नहीं बसना चाहिए। नंबर एक, जिस देश में राजा विरुद्ध हो। दूसरा, जहां वेद पाठी धनी हो। तीसरा, जहां वैद आचारवान हो। चौथा, जिस देश में नपुंसक स्त्री बालक अत्यंत क्रोधी हो। पांचवा, जहां मूर्ख साहसी अधिकारी हो। छठवा, जहां का राजा अविवेकी हो। सातवा, जहां सभासद पक्षपात करने वाले हो। आठवा, पंडित जन सतमार्गी ना हो। नौवा, गभा झूठ बोलने वाले हो। दसवां, जिस जगह दुष्ट स्त्रियां और नीच बुद्धि वाले पुरुषों की अधिकता हो। ऐसी जगह ना तो धन की, मान की, बास की, जीवन की इच्छा ना करें। इन सात स्थानों पर दिन में भी बसेरा नहीं करना चाहिए। नंबर एक, सुनसान जगह पर बना हुआ चबूतरे पर। नंबर दो, सुनसान स्थान पर किसी चौराहे पर। नंबर तीन, सुनसान स्थान पर बना हुआ कोई पुराना देव मंदिर हो, जहां पूजा पाठ ना किया जाता हो, जहां कोई आता जाता ना हो, देव प्रतिमाएं खंडित हो चुकी हो, जहां शून्य वन हो, जहां बरसों से बंद पड़ा घर हो और शमशान में। हंसनी कहने लगी, महाराज ऐसे स्थानों पर बसने वाला व्यक्ति बहुत बड़े संकट में फंस जाता है। हंस बोला, कोई बात नहीं, मुश्किल परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, क्योंकि बीमारी विपत्ति और मौत कभी भी आ सकती है। इस तरह से आपस में बातचीत करते हुए हंस और हंसनी रात व्यतीत करने के लिए उस वृक्ष पर बैठ गए। अब संयोग की बात, जिस वृक्ष पर हंस और हंसनी रुके थे, उसी वृक्ष पर एक उल्लू पहले से बैठा हुआ था। वह उल्लू रात में जोर जोर से हू हू की आवाज करने लगा। उल्लू की आवाज सुनकर हंसनी बोली, महाराज इस पेड़ पर तो उल्लू बैठा है, ये इतनी तेज चिल्ला रहा है, मुझे लगता है कि हम रात में सो भी नहीं पाएंगे। हंस कहने लगा, भाग्यमान रात भर की तो बात है, जैसे तैसे काट लो। सीता जी ने तो एक वर्ष रावण के यहां बिना सोए बिना खाए व्यतीत किया। हर रोज वो रावण आकर उन्हें धमकाता था, फिर भी वे उससे भयभीत नहीं हुई। तुम्हें तो सिर्फ इस उल्लू की आवाज एक ही रात तो सुनना है, सुन लो जैसे भी हो। हंस बोला, प्रिय इसीलिए ये इलाका वीरान सा हो गया है, क्योंकि यहां उल्लू रहता है। बंधुओं, वह उल्लू उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने मन बना लिया कि इस हंस को कल मैं अपनी औकात दिखा दूंगा कि एक उल्लू का अपमान करने का फल क्या होता है। अब जब सवेरा हुआ तो उल्लू ने हंस से कहा, अरे हंस भाई, मेरे कारण आपकी रात ठीक से नहीं कट पाई, तुम्हें जो कष्ट हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। हंस बोला, कोई बात नहीं, हमारी रात कट गई यही बहुत है, छोटी मोटी तकलीफें तो सबके जीवन में आती ही रहती हैं, ऐसे उन कष्टों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सहन करने की आदत भी रखनी चाहिए। इतना कहकर हंस अपनी पत्नी को लेकर जब जाने लगा तो उल्लू ने हंस का रास्ता रोक लिया और कहा, अरे भैया
आप तो चोर निकले, आपको रात क्या व्यतीत करने दी, आप तो मेरी पत्नी को ही चुरा कर ले जाने लगे। उल्लू की बात सुनकर हंस के होश हवा हो गए, कहने लगा आपकी पत्नी, पर ये तो मेरी पत्नी है, ये उल्लू की नहीं है, ये हंसनी है। उल्लू ने कहा बाजी बाप, रात क्या बिताई, मेरी पत्नी पर भी अधिकार जमाने लगे। बंधुओं, अब तो दोनों में झगड़ा होने लगा, बात बहुत आगे बढ़ गई। उल्लू ने पंचायत बिठा दी, पंच लोग भी आ गए। पंचों में सारे लोग उल्लू ही थे, कोई अन्य पक्षी नहीं था। पंचों ने कहा अरे भाई, आप लोग किस बात पर झगड़ रहे हो। हंस बोला महाजनों, ये उल्लू मेरी हंसनी पर जबरदस्ती अपना अधिकार दिखा रहा है, जबकि हंसनी मेरी पत्नी है। उल्लू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देखो, ये हंस मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी को ही भैला फुसलाकर अपने साथ लिए जा रहा है, जबकि ये मेरी पत्नी है। अब तो उल्लुओं की सभा में हंस को न्याय मिलना असंभव था। उल्लुओं की पंचायत ने सोच विचार कर उल्लू के पक्ष में निर्णय दे दिया। पंचों ने सोचा कि हंस तो यहां से चला जाएगा, हमारे बीच में ये बेचारा उल्लू ही रहेगा, इसलिए हंसनी उल्लू की ही पत्नी बताकर उसे ही दे दी जाए। अब तो हंसनी उल्लू को दे दी गई। बेचारा हंस कुछ भी नहीं कर सका, वो अपनी पत्नी को जाता देख रोने चिल्लाने लगा। हंस को दुखी देखकर उल्लू ने कहा भैया चिंता ना करो, ये हंसनी आपकी ही पत्नी है, मैंने तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की थी कि किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, यदि किसी विपरीत परिस्थिति में फंस भी जाओ तो उसे बिना किसी भय के निकाल देना चाहिए। उस समय मान अपमान की सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग हमेशा सुखी रहते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी अपने धैर्य को संभाल कर रखते हैं। उल्लू कहने लगा हे मित्र, आपने रात में कहा था कि ये इलाका वीरान इसलिए है क्योंकि यहां उल्लू रहता है। हे मित्र, ये इलाका वीरान इसलिए नहीं है कि यहां उल्लू रहता है, बल्कि ये सुनसान इसलिए है क्योंकि यहां पर ऐसे पंच रहते हैं जो हमेशा उल्लुओं के पक्ष में ही फैसला देते हैं। बंधुओं, कहानी का तात्पर्य ये है कि नीच व्यक्ति की थोड़ी देर का संग भी आपको हानि पहुंचा सकता है। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट बुद्धि वाले एवं विचार शक्ति से रहित पुरुष का तिनके से ढके कूप की तरह परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ की गई मित्रता नष्ट हो जाती है। बंधु, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और सभी मित्रों में शेयर करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।